अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं रेसिपी आपको बनाना बता रही हूँ वो है अचार गोश्त। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही लजीज बनता है। आप यकीन माने अपने घर आप मेरे तरीके से बनाएंगे इस रेसिपी को तो आपका घर खुशबू से महक जाएगा और आपकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों की तारीफ़ हो और आप अपने घर में अपने खानों को अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकें। चलिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि हमने अचार गोश्त बनाने के लिए हमें क्या क्या अज्जा ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको चाहिए 1 किलो बीफ का गोश्त। आप मटन भी ले सकते हैं लेकिन मैंने बीफ में अचार गोश्त बना रही हूँ। उसके अलावा आपको चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, टमाटर आपको चाहिए 4 अदद दरमियाने कटे हुए, प्याज आपको चाहिए बारीक कटी हुई 4 अदद, उसके अलावा ऑयल आपको चाहिए 1 कप, हरी मिर्चें आपको चाहिए 4 से 5 अदद, और ये हरी मिर्चें जो हमने मसाले के लिए भरनी है ये आपको चाहिए 6 से 7 अदद और 1 लेमन। उसके अलावा साबुत गरम मसाला आपको चाहिए, मिक्स गरम मसाला, इसमें सारे काली मिर्चें, लौंग, बादियान, ज़ीरा और मोटी इलायची सब कुछ शामिल है, ये आपने ले लेना है। उसके अलावा जो हमारा मसाला है ड्राई पाउडर मसाला, में आपको चाहिए 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च, और आपको चाहिए होगी दड़ा मिर्च 1/4 टीस्पून। उसके अलावा जो हमने मसाला बनाना है उसकी मैं आपको बता देती हूँ कि ये आप मसाला, इसको आप पीस भी सकते हैं और आप ये बाज़ार से नेशनल का अचार गोश्त मसाला भी ले सकते हैं। आप जो मैंने आपने मसाले जो घर में पीसने, अगर आपके पास ये नेशनल का नहीं है तो आप ये ले लें, सौंफ ले लें आप 1 टीस्पून, मोटा धनिया आप ले लें 1 टीस्पून, कलौंजी आप ले लें 1 टीस्पून, मेथी दाना आप ले लें 1 टीस्पून और अजवाइन ले लें आप 1 चुटकी। आपने इन सब मसालों को पीस कर तो इन्हीं हरी मिर्चों में डाल देना है। ये सेम बाज़ार वाला मसाला बन जाएगा। मैंने आपको घर वाला मसाला भी बता दिया और अगर आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए बाज़ार से भी मसाला ख़रीद के तो उस हांडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चले नाज़रीन, अब मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको सब बता दिए हैं। इसके अलावा आपको कसूरी मेथी भी चाहिए होगी 1 टेबल स्पून और पानी आपको चाहिए होगा 3 ग्लास गोश्त खिलाने के लिए। मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास, हम इसको गोश्त को गलाने के लिए कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपका कुकर नहीं है तो आप इसको सिंपल पॉट में या देशी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप इसको प्रेशर कुकर में ही बनाएं क्योंकि ये गोश्त ज़रा देर से गलता है, इसलिए आपको बजाय इतने घंटों इंतज़ार करने के आप प्रेशर कुकर का ही इस्तेमाल करें। अच्छा, गोश्त आप डालते हैं, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया 1 कप। अब जो बीफ है हमारे पास 1 kg, वो हम इसमें डालना शुरू कर देते हैं। जी नाज़रीन, अब मैं गोश्त को फ्राई करना शुरू कर रही हूँ। आपने गोश्त को गोल्डन फ्राई कर लेना है, बीफ को अच्छे तरीके से लो टू मीडियम आंच में आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। अभी हम इंतज़ार करते हैं, अभी हमारे गोश्त में टाइम है तो गोल्डन होने में, तो जब तक ये गोल्डन होता है तो हम इसका इंतज़ार करते हैं, बाद में हम इसमें प्याज डाल देंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब जो मैंने बारीक कटी हुई प्याज 3 अदद दरमियाने साइज़ की रखी हुई थी वो उसी में मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और उसको भी मैं इसी गोश्त के साथ अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर दूँगी ताकि हमारे जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये हमारा प्याज गल भी जाए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें प्याज डाल दी है। इसके बाद मैं इसको 5 मिनट तक मुसलसल लो टू मीडियम आंच पर पकाऊंगी ताकि हमारे प्याज में कच्चापन ख़त्म हो जाए। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि प्याज मैंने जो उसमें डाली थी उसका कच्चापन अच्छे तरीके से दूर हो चुका है। 5 मिनट तक मैंने उसको तेज़ आँच पर पकाया है और हमारा प्याज अब बिल्कुल डन है। अब इसी स्टेज में हम ये साबुत गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था वो डाल देंगे और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इन सब चीज़ों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। अब इसी स्टेज में हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून।
लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इसी मसाले में अच्छे तरीके से पकाएंगे, ताकि लहसुन और अदरक का भी कच्चापन दूर हो जाए और वो भी गोल्डनिश कलर में आ जाए। अब हम 1 से 2 मिनट तक इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन भी अच्छे तरीके से मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून ली है इसी मसाले के अंदर। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें, जो मैंने आपको बताई थी बारीक कटी हुई, वो उसमें हम डाल देंगे और इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप टमाटर, जो मैंने आपको बताए थे बारीक कटे हुए, वो भी स्टेज में हमने शामिल कर देने हैं। और इन टमाटरों को भी हमने अच्छे तरीके इसी मसाले के साथ फ्राई कर लेने हैं। नाज़रीन, आपने बिल्कुल ऐसी रेसिपी बनानी है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको इसके बाद मिर्चें जो मैंने भरनी है मसाले वाली, मैं वो भी आपको बता दूँगी। अब जो ड्राई मसाला पाउडर है आपने वो शामिल कर देने हैं, जिसमें नमक, हल्दी, सूख मिर्च, दड़ा मिर्च और धनिया पाउडर शामिल है। ये आपने सारे इसी स्टेज में डाल देने हैं। इसको भी आपने चम्मच की तरह अच्छे तरीके से हिला लेने और इसके बाद आपने इसमें नाज़रीन 2 ग्लास पानी के डाल के इसको प्रेशर कुकर लगा देने हैं। अगर आप विदाउट प्रेशर कुकर बना रहे हैं तो इससे आपको 2 से 3 घंटे के लिए आपको दरमियानी आंच पे रखना पड़ेगा इसको गोश्त उगलने के लिए। मैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं 2 ग्लास ही पानी लूँगी क्योंकि इससे जल्दी गल जाएगा। अब इसमें हम 2 ग्लास पानी शामिल कर देंगे और इसको लॉक करने के बाद जब प्रेशर कुकर में प्रेशर आना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम 15 मिनट के लिए अपने गोश्त को पकाएंगे। आप गोश्त को देख लीजिएगा, अगर आपका गोश्त गल गया 15 मिनट तक तो आप देख लीजिएगा, वरना अगर गोश्त नहीं गला तो आप उसको 5-10 मिनट दोबारा भी लगा सकती हैं। अब मैं इसको लॉक करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि हरी मिर्चों के आपने कैसे अंदर मसाले को भरना है। व्यूअर, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको लॉक कर दिया हुआ है। अब ये प्रेशर आने तक इसको मैं 15 मिनट तक पकाऊंगी। अब मैं आपको हरी मिर्चों के बारे में बता देती हूँ कि आपने उनको कैसे मसाले को पीसना है और कैसे हरी मिर्चों में भरना है। जी तो व्यूअर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको मसाला बता दूँगी कि आपने अचार गोश्त का मसाला जो है अचारी मसाला कैसे बनाना है, उसके लिए आपको ये जो मैंने आपको बताए थे सबसे पहले इन्ग्रीडियंट्स, आपने ये सारे एक ग्राइंडर में डाल लेने हैं। उसके बीच में आपने डालना है 1/2 टीस्पून मेथी, 1/2 टीस्पून आपने गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून आपने काली मिर्च पाउडर ले लेना है और आपने इसको फिर ग्राइंड कर लेना है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये मसाला मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर ली है। अब हम इसको एक प्लेट में डाल देंगे। ये आप देख रहे हैं, इस फॉर्म में आपको मसाला ये मिल जाएगा। मेरे पास नाज़रीन ऑलरेडी अचार गोश्त का मसाला पड़ा हुआ था पैकेट वाला, लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए कि मेरे व्यूअर्स कहीं परेशान ना हो जाए कि उनके पास मसाला नहीं है तो फिर कैसे अरेंजमेंट करेंगे, तो ये मैंने आपके लिए स्पेशल मसाला बनाया है, अदरवाइज़ मेरे पास मौजूद था। आपने इस मसाले को भी और इस मसाले को भी सेम प्रोसीजर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, ये सेम इंग्रेडिएंट्स हैं इनके अंदर। अब नाज़रीन, इसमें हमने 1 लेमन डाल देना है स्क्वीज़ करके और उसके बाद हमने इस मिर्चों को भर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, मिर्चों में पहले आपने कट लगाने हैं दरमियान से और फिर आपने इसमें लेमन डाल के इस मसाले की बना के प्यूरी सी आपने इसके अंदर भर के आपने इसको जब हमारा गोश्त फ्राई होगा तो आपने उसमें दम में लगा के लगा देना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे मिर्चें भरनी है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मसाले में हमने 1 लेमन डाल देना है और इस मसाले को हमने पेस्ट की शक्ल में कर लेना है। आपने इसको ऐसे ही करना है, आपने सारे मसाले को 1 लेमन का जूस निकाल के एक कटोरी में उसका आपने इस तरीके से बैटर सा बना लेना है। अब आपने जो मैंने आपको मिर्चें दिखाई हैं ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने कट लगाए हैं, आपने इनको फिल कर देना सारे मसाले के साथ, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको फिल करके बताती हूँ। आपने इस तरीके से एक मिर्च को लेना है, इसको ऐसे दरमियान से खोलना है और आपने ये मिर्च में डाल के इसको फिल कर लेना है। ऊपर से आप थोड़ा सा दबा दीजिएगा इसको। इसी तरीके से आपने सारी हरी मिर्चें 1 बाय 1 करके भर लेनी है।
जी तो आप देख सकते हैं कि मिर्चें मैंने सारी भर ली है मसाले के साथ। अब हम गोश्त को देखते हैं कि हमारा गोश्त गल गया या नहीं। चलें देखते हैं गोश्त की तरफ। जी तो व्यूअर्स हम देख लेते हैं 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं कि हमारा गोश्त गल चुका है। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से गोश्त की शक्ल कितनी प्यारी आ चुकी हुई है और हमारा गोश्त भी तकरीबन सारा ऑलमोस्ट डन है। आप देख लीजिएगा कि गोश्त में कोई कसर तो नहीं रहेगी। अगर तो कच्चा हुआ तो आप इसको 5 या 10 मिनट दोबारा भी लगा सकते हैं। अब इसी स्टेज में जो मेरे पास मसाला जो मैंने पिसा हुआ रखा हुआ था अचारी मसाला वो डाल देंगे 1 टीस्पून और उसे हम अच्छे तरीके से इसी मसाले में मिक्स कर लेंगे। और जो हमने ये मिर्चें भर के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अब हम दम पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे, ताकि इसका जो मिर्चों का अरोमा है वो हमारी हांडी में अच्छे तरीके से फैल जाए और उसकी खुशबू भी अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाए। वैसे हमारी हांडी बिल्कुल तैयार है, बस हम मिर्चों को दम देने के लिए 10 मिनट का वेट करेंगे और 10 मिनट के बाद हम इसका दम खोल लेंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा अचार गोश्त बिल्कुल रेडी है, तैयार है। लजीज अचार गोश्त आप अपने घर में लाजमी बनाइएगा। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फाइनल लुक में आपको इसकी दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा लजीज अचार गोश्त तैयार है। जैसे कि ईद है आपने अपने घरों में इसको लाजमी ट्राई करना है, आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और मेरे चैनल को आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट बॉक्स में आपने अपने कॉमेंट्स लाजमी लिखने कि आपको मेरी डिशेज कैसे लगती हैं और इस अचार गोश्त के बारे में बताना कि आपको ये कैसे लगा है। इसी के साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपके साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।